सही बुखारी की हदीस। वो एक शख्स था गुनाह कबीरा का मुर्तकिबी से सजा होती थी, बार बार सजा होती थी। सहाबा कराम ने उसका हाल देख कर के रुकता नहीं, उन पर लानत भेज दी कि खुदा लानत करे इस पर। उसकी खताएं थी, कुछ गुनाह थे, सजा पाता था। मेरे आका ने अंदर आवाज़ सुन ली कि सहाबा उस पर लानत भेज रहे हैं बैठे, बाहर निकल आए। फरमाया ला तलानू, उस पर लानत ना भेजो। इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत का है कि अल्लाह उसके रसूल से, वो तो नाफरमानी पर सजा भुगत रहा है, बार बार उसको कोड़े लगते हैं। फिर कोड़े खाने के बावजूद आका फरमाते हैं कि मोहब्बत करता है अल्लाह रसूल। अल्लाह की मोहब्बत तो समझ में आ गई कि गुनाह कर रहा है, कोड़े खा रहा है, तो हुजूर से मोहब्बत क्या है। ये सही बुखारी की हदीस है। इसकी तमाम शुरू उठा के देखिए, अस्कलानी को पढ़िए, ऐनी को पढ़िए, दिगर कुतुब को पढ़िए, कुदमा को, और मुस्लिम के अंदर इमाम कुर्तुबी से लेकर नीचे तक इमाम बगवी और इमाम नववी और तमाम आइम्मा को, काजी याज तक, सबको पढ़िए। आपको पता चलेगा वो जो आका ने इशारा किया कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत क्या थी। अमल तो आपके सामने आ गए, अमल तो आपके के कोड़े लग रहे हैं, जिसे देख कर सहाबा ने उस पर लानत भेजी। हुजूर ने फरमाया नहीं, खबरदार, लानत ना भेजो, उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत। अब आओ जरा ट्रेस करते हैं वो मोहब्बत क्या थी। कुतुब हदीस की शुरू में आया है, उसकी तफसील आई है, मुत्ता इमाम मालिक के शुरू में है, शुरू है बुखारी में है, शुरू है मुस्लिम में है। उठा के देखिए उसके अहवाल असमा और रिजाल की किताबों में। उस शख्स की मोहब्बत का ये था, सिर्फ ये कि वो हुजूर की मजलिस में बैठा रहता था, और जब दिन भर देखता था कि हुजूर थक गए हैं, हर आने वाला अपने दुखड़े सुनाता है हुजूर को, गम की बातें सुनाता है हुजूर, सबका बोझ उठाते हैं, और सारा दिन सुबह से शाम तक उम्मत और इंसानों के दुखों के किस्से सुनते और हल फरमाते हैं। जब देखता था कि थक गए हैं, वो कोई लतीफ़ा सुना देता था ताकि हुजूर हंस पड़े। हाय 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 हाय, लोगों इसको अक़्दे क़ल्बी कहते हैं। अमाल में कमज़ोर था, मगर एक दिल का इश्क और मोहब्बत था कि बैठा रहता था हुजूर को हंसाने के लिए, कि जब देखे चेहरे पाक पे थकावट के आसार आए, कोई लतीफ़ा सुना दिया और सुना के हुजूर को हंसा दिया, बस हंस पड़े मेरे आका, तो वो समझता था कि चलो बोझ उतर गया है। वो उसका अमल ये था कि रसूल और अल्लाह से मोहब्बत करता है कि वक्फे वक्फे से हुजूर को हंसाता था। और ये हंसाने का काम सिवाय कल्बी मोहब्बत के कोई और नहीं करता। और दूसरी तफसील उसके अमाल की, कुतुब मैंने कुल शुरू सैकड़ों कुतुब खंगाली इस हदीस की शरह में कि मैं तलाश तो करूं उसकी मोहब्बत क्या थी। दूसरी कुल किताब, कोई किताब नहीं छोड़ी मैंने। दूसरा सबब निकला उसकी मोहब्बत का, वो भी सुन लीजिए। बाहर जाता था सफर पर काम काज के लिए, तो वापस आते हुए आका अलैहिस्सलाम के लिए शहद और पनीर ले आता था। शहद और पनीर लाता था कि आका पसंद करते हैं, आके हुजूर को दे देता शहद और पनीर हुजूर के साथ। और पैसे उसके पास पल्ले कोई नहीं होते थे, था कंगाल, शहद और पनीर उधार ले आता मगर आका को दे देता। ये उसकी मोहब्बत थी, जिसको फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। और जब पिछले जिनसे खरीद के लाता था शहद और पनीर, जब वो पैसे मांगने के लिए आते, तो उस शहद और पनीर वाले को जिससे उधार लाता उसे लेके हुजूर की बारगाह में लेके आ जाता। कहता है या रसूलल्लाह, ये अब उधार मैंने उठाया था शहद पनीर, ये लेने आ गया है। आका पूछते तो भाई मेरे पास क्यों लाए, हुजूर आपको दिया था, आपके लिए लाए। ये भी पता था कि हुजूर करीम हैं, हाय हाय हाय, और मेरे आका करीम हैं, ये भी पता था। अरे इतनी तो हर एक को समझ थी कि आका करीम हैं, हुजूर के पास लेके आ जाता तो फिर मैं क्या करूं, आका मेरे पास तो पैसे को ही नहीं, आप ही दे दें। फिर शहद और पनीर बिन मांगे भी ला देता, अदायगी भी कर्जे की हुजूर से करवाता, तो हुजूर उसके अमल को देख के रोज़ हंस पड़ते। इस तरह की बातों से हुजूर को हंसाता रहता था। इस अमल पर मेरे आका ने फरमाया इन्नो युहिब्बुल्लाह व रसूलह। अरे मोहब्बत के कोई पैमाने होते हैं, हाय हाय हाय, कोई नाप तोल होता है, कितने नफल पड़ता है, कितने रोज़े रखता है,
कितनी तिलावत करता है। अरे मोहब्बत अकदे कल्बी है। और रह गया बाइबल का लफ्ज दाएं जानिब, वो तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस उठा रही है, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, सुम अकूम अन यमीनिल अर्श, अल्लाह की दाएं जानिब अर्श पर मैं खड़ा होऊंगा और खलायक में कोई ऐसा नहीं जो मेरे मुकाम को पा सके। अब यहां भी एक तत्बीक कर दूं, कोई कह सकता है कि एक हदीस में तो क़याम का जिक्र आया, फरमाया कि मैं खड़ा होऊंगा दाएं जानिब, और मैंने सारी हदीसें और रिवायतें जुलूस की बयान कर दी कि कुर्सी पर बिठाए जाएंगे, तो क्या हकीकत है, क़याम होगा या जुलूस होगा, खड़े होंगे या बैठेंगे कुर्सी पर, दोनों दुरुस्त हैं। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श पे कुर्सी पर जलवागर होने से पहले आका अलैहिस्सलाम अपनी मुकामे अबदियत में अदब खुदा में खड़े होंगे, अदब उलूहियत में आप खड़े होंगे कि खुदा के सामने खुद बैठना ये शान अबदियत नहीं, अदबन खुदा के हुजूर हुजूर खड़े होंगे, कुर्सी बड़ी होगी मगर आप नहीं बैठेंगे, खड़े होंगे। जब रब जलवा घर होगा तो अपनी शान अबदियत में क़याम फरमा होंगे, जब खुदा देखेगा वो शान महबूबियत में फरमाएगा, सोना खड़ा नहीं होना, बैठ जा, हुजूर खुद खड़े होंगे, रब बिठा देगा। 100 से ज़ायद मुकामात पर अल्लाह पाक ने ये पूरी, मैंने उसकी तफसीर अपनी किताबों में जिक्र किया कि किस किस बाब में किस किस हुक्म में इकट्ठा किया है। अल्लाह पाक फरमाया तिल का हुदूदुल्लाह व मैं युते इल्लाह व रसूला, बस सिर्फ चंद नमूने सुन लें कि कुरान का अकीदा क्या है, इख्तिताम फिर हदीस और सहाबा पर कर देंगे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिसने नाफरमानी की, व मैं यासी अल्लाह व रसूला फरुद्दू हो इल्लाह व रसूल, आप देखते चले आइए नमूने कि खुदा किस तरह जोड़ता है, हम फोड़ते हैं। वैसा अकील अलहम तालो इलामा अनजल्लाह व इला रसूल इन्नमा जज़ाउल्लज़ीन युहारिबून अल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग लड़ते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, कुल अनफ़ालो लिल्लाह व रसूल, कह दो अनफाल अल्लाह और उसके रसूल के लिए, वअतीउल्लाह व रसूला ज़ालिक बिअन्नहुम शाक्कुल्लाह व रसूला, ये इसलिए अजाब है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, इस तजीबु लिल्लाह व रसूल अल्लाह और उसके रसूल की बात पर लब्बैक कहो, बरातुम मिनल्लाह व रसूल ही अजानुम मिनल्लाह व रसूल ही ला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाह व रसूलहु वलो अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाह व रसूलहु सयूतीन अल्लाह मिन फज़लिही व रसूलहु وَمَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَكَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ الْغَرَضُ قُرْآنُ وَإِذَا إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مجھے بتائیے اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی اللہ کو کاہے کی اذیت ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی खुदा कहता है उसने मुझे अजियत दी। ला तुकद्दमु बैना यदिल्लाह व रसूल, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो करो, भला अल्लाह से आगे कौन बढ़ सकता है, किसी ने अल्लाह से पहले रोजे रखे थे, ये शान नुज़ूल है, अल्लाह के कलाम से पहले कलाम किया था, बाज लोग हुजूर के बोलने से पहले बोर्ड पढ़ते थे, रमजान के रोजे से पहले हुजूर के रोजे से पहले रोजा रख लिया किसी ने, ईद उल अज़हा के दिन आका की कुर्बानी देने से पहले कुर्बानी दी, अरे तकद्दम फेले रसूल पर था, हुजूर से पहले अमल कर दिया, रब ने जुदा करके नहीं कहा कि मेरे मुस्तफ़ा पर पहल न करो, कहा नहीं मुझ पर और मेरे मुस्तफ़ा पर पहल न करो। खुदा ने मुस्तफ़ा को इस तरह जोड़ा है अपनी ज़ात से कि कभी अलग छोड़ा ही नहीं है, और अब जोड़ के जिक्र करें तो आपको वहम हो जाता है कि मिला दिया, अरे क्या मिलाया, उसने है या मैंने, किसने मिलाया है, वो जुदा ही नहीं करता, और वो कहता है जो जुदा करे वो लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि इन्नल्लज़ीन युहादूनल्लाह व रसूलह ذلك بأنهم ذلك بشاق الله ورسوله ولله العزة ولرسوله ولا تقدموا بين يدي الله ورسوله। मकसद बात का ये कि अल्लाह के हाँ तो कायदा ये है कि उसने तो कोई मुकाम ऐसा नहीं रखा सिवाय इबादत के, सिवाय इबादत रसूल के लिए नहीं, बाकी उसने हर हक में महबूब को शामिल कर लिया है।
मोहब्बत में, अदब में, रफाकत में, बैत में, इताअत में, कुर्बत में, रजा में, अता में, गिना में, हर शय में शरीक कर लिया अपने साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। और ये तो और इससे बढ़कर एक ख़ास मुकाम में कुरान का मुकाम मुस्तफ़ा समझने के लिए बयान करूँ, 7 आयतें कुरान में ऐसी हैं, कितनी, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना और अपने महबूब का जिक्र किया, 2 का जिक्र किया और ज़मीर वाहिद की इस्तेमाल की, 2 का जिक्र किया और उन्हें नहीं कहा उसे कहा, वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हदूद को तोड़े। आइमा तफसीर लिखते हैं कि जिक्र 2 का है, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी, तो कहना चाहिए था व यतअद्द हुदूदहुमा, तस्निया का सीगा, उन दोनों की हदूद को तोड़े, नहीं, दोनों का जिक्र करके हुदूदहू में ज़मीर वाहिद की इस्तेमाल की, वो तो ज़मीर भी एक कर देता है 2 का जिक्र करके और तस्निया की नहीं यूज़ करता। इसी तरह कुरान मजीद की दूसरी आयत फरमाया, या युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु वअंतुम तस्मऊन, अनफाल, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और उससे मुंह न फेरो। अब उससे से मुराद कौन है जानते, फिर उसने ये अकीदा समझाया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अन हो, नहीं फरमाया अन हो मा के दोनों से मुंह न फेरो, फरमाया अन हो उससे मुंह न फेरो, साबित करने के लिए कि जिसने जिसका चेहरा मुस्तफा से फिर गया वो खुदा से फिर गया, खुदा और मुस्तफा का रुख एक है। वलम यकुल अनहुमा, इमाम कुर्तबी फरमाते हैं ये को मेरी ईजाद नहीं है, आइमा ये अकीदा देते रहे कि अनहुमा तस्निया 2 की बात नहीं की, 2 का जिक्र किया और बात 1 की। इसी तरह फरमाया, या युहल्लज़ीन आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें बुलाए, इज़ा दआकुम अल्लाह और अल्लाह का रसूल, तो चाहिए था लुगत के हिसाब से कि कहा जाता इज़ा दअवाकुम, अल्लाह और उसके रसूल दोनों तुम्हें बुलाएं, व्हेन दे कॉल यू दे इन्वाइट यू, जिक्र करता है कि अल्लाह एंड हिज प्रॉफिट व्हेन ही कॉल्स यू, वो तो दे हटा देता है, वो 2 को एक कर देता है, ज़मीर एक की इस्तेमाल की, ताकि पता चल जाए कि खुदा और मुस्तफ़ा की दावत भी एक है और खुदा और मुस्तफ़ा की इस्तेजाबत भी एक है। अब ये जो आयत उतरी सही बुखारी में है, बुखारी, हम बुखारी बुखारी जिंदगी भर बहुत करते हैं मगर कभी बुखारी को पढ़ा देखा समझा नहीं है। मेरे वालिद गरामी अपने और बुज़ुर्गों असातिज़ा से ये शेर सुना हुआ था, मुझे सुनाते थे कि बे इश्क़ नबी जो भी पढ़ाते हैं बुखारी, बे इश्क़ नबी जो भी पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती, बुखारी इश्क के बग़ैर नहीं आती। तो चुनाचे जब ये आयत आ गई कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाएं फौरी लब्बैक कहा करो, सही बुखारी में हदीस है, सईद बिन मुअल्ला रिवायत करते हैं कि मैं कुन तो सल्ली फिनल मस्जिद फमर रबी रसूलुल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। अब बुखारी शरीफ की हदीस, हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला रिवायत करते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा था, आका मेरे पास से गुजरे, कोई काम था, मुझे आवाज़ दी, या अबा सईद मुझे बुलाया, कहते हैं तो मैं चूँकि नमाज में था, कोई नफली नमाज होगी, तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने तेज़ी से नमाज ख़त्म की और हाजिर हुआ आका की बारगाह में, फ़काला मा माना आका अंतअती यानी, जब मैंने बुलाया था तुम्हें हालत नमाज में, तू लब्बैक कह के मेरे पास आया क्यों नहीं नमाज के दौरान। तो मैंने अर्ज़ किया फ़कुल तो यार सोनी कुन तो उसली, मैं नमाज पढ़ रहा था, तेज़ी से नमाज ख़त्म की और आया हूँ। आका ने फरमाया तुमने नहीं सुना आलम यकुलिल्लाह इस्तजीबुलिल्लाह वलिर्रसूल इज़ा दाकुम, अल्लाह और उसका रसूल बुलाएं जिस काम में हो छोड़ के आ जाओ मुस्तफा पर। तभी ने इमाम शाफई का फतवा नकल किया इस मुकाम पर, इमाम शाफई का फरमाते इन्नस सलाता ला तब्तुलुल अमरे रसूलिल्लाह बिल इजाबति व इन काना फिस सलात,
आका बुला लें, नमाजी नमाज में हो सहाबी, तो लब्बैक कह के आका की बारगाह में चले जाने से नमाज नहीं टूटती। अरे लोगों, सहाबा कराम की तौहीद को भी देखो और आज अपनी तौहीद को भी देखो। हमारी तौहीद जो हमने घड़ ली वो ये बताती है कि नमाज में हुजूर का ध्यान भी आ जाए तो नमाज टूट जाती है, और सहाबा की तौहीद बताती है हुजूर को तकले काम में चले जाए तब भी नमाज नहीं टूटती। तुम ध्यान पर नमाज टूटने का ख्याल करते हो, वो हुजूर की नौकरी और काम पर भी नहीं तोड़ते। अब सहाबा कराम का अकीदा, तौहीद उनसे लो, अकीदा रिसालत सहाबा से लो, ईमान सहाबा से लो। हमें चाहिए कि अपने मन गड़त अकायद के बर्तन तोड़ दें। जो अबू बकर उमर और उस्मान वली का अकीदा था, जो अहले बैत अथार का अकीदा था, वही हक है, और कुरान और सुन्नत को उनसे बेहतर कोई समझता ना था। अब उनका अकीदा क्या है? इमाम सैयदना सिद्दीक अकबर थे, उन्होंने समझा कि शायद आका बाहर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, समझा कि हुजूर आ गए। फनाका साबू बकर अला के बैल यसर सफा, सिर्फ इतना जान करके हुजूर निकल आए हैं, अदब मुस्तफा में मुसल्ला छोड़ दिया। नमाज खुदा की हो रही है, अदब मुस्तफा का हो रहा है, ये तौहीद है। उनकी नमाजें नहीं टूटती थी हुजूर की मोहब्बत से, हुजूर के अदब से, हुजूर के चेहरे को तकने से, हुजूर की खातिर मुसल्ले छोड़ देने से। ध्यान क्या रह गया? ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? उनका ध्यान भी मुस्तफा था, उनका ज्ञान भी मुस्तफा था, उनका विजदान भी मुस्तफा था। वो हुजूर की हाल में फना हो जाते, आपने मुसल्ला छोड़ दिया, तो आप समझा कि आका तशरीफ ले आए। जब हुजूर ने देखा कि यहाँ तो समा ही बदल गया, सारा पलट गया, तो हमें इशारा किया नतिम सलातकुम, नमाजें मुकम्मल कर ले। नहीं फरमाया कि नमाजें टूट गई दोबारा पढ़ लें, नहीं फरमाया कि नमाजें टूट गई दोबारा पढ़ लें, चेहरे भी फिर गए, मुसल्ले भी छूट गए, समा भी बदल गए, तो फरमाया नमाज मुकम्मल कर लो। आका ने तस्दीक की मोर लगा दी कि इस तरह मुझे तकने और मुझ में महव होने से नमाजें नहीं टूटती, नमाजें कमाल पे पहुंचती हैं, बा कमाल होती हैं। फरमाया पूरी कर लो। फिर आका अलैहिस्सलाम ने पर्दा डाल दिया सारा। अब तसव्वुर ये है, हुजूर की शान को खोल खोल कर बयान करें, मैं आपको पैमाना दे रहा हूँ, सारे ही अच्छे हैं, मैं तो सबसे माड़ा हूँ, मगर ये जानने के लिए कि किसका अकीदा सही किसका गलत, कौन हुजूर का वफादार और कौन ताजदार कायनात का गद्दार, किसकी कब्र और आखिरत में बख्शिश होगी और कौन जंजीरों में जकड़ा जाएगा, ये जानना हो तो देखा करें कि हदीस मुस्तफ़ा की कुतुब से चुन चुन के हुजूर की शानों की हदीसें कौन बयान करता है और कौन उम्र भर खिताब करता है और छुपा जाता है। अगर कोई गुलाम है तो आका की शान बयान करते करते थकेगा नहीं, और जो ये हदीसें उम्र भर आपको नहीं सुनाता, ये नहीं उसने पढ़ी नहीं, को मैंने कोई नई बुखारी नहीं बना ली, को सही मुस्लिम नहीं मेरे मतबा से नहीं छपी, भई ये सारी दुनिया में वही बुखारी और मुस्लिम है। अगर कोई नहीं बताता नमाजियों को तो सवाल सोचने वाला है क्यों नहीं बताता। मुकाम मुस्तफ़ा का अकीदा सही नहीं, या अबा बकरिन मा माना कान तस्बुत ज़मर, तो क्यों नहीं मेरे हुक्म की तामील की। फ़काल अबू बकरिन मा काना ले इब्न अबी कुहाफ़ता अन युसल्लिया बैन यदा रसूलिल्लाह, आका अबू कुहाफ़ा के बेटे की क्या मजाल कि सरकार पीछे खड़े हो और मैं पुश्त करके आगे खड़ा रहूं। अरे नमाज खुदा की है, अदब मुस्तफ़ा का है, यह है अकीदा, यह है मुकाम मुस्तफ़ा। तो आका ने सहाबा कराम को सिखा दिया कि आइंदा कभी ऐसा हो तो तालियां ना बजाया करो, सुभान अल्लाह कहा करो। गोया शरीयत का मसला दे दिया कि जायज है नमाज में इस हद तक अदब करना भी जायज है। अरे सहाबा कराम को यह मुकाम मुस्तफ़ा की मारिफत थी, ये किसने आदाब सिखाए थे? सही मुस्लिम में आता ना, इब्ने मालिक रिवायत करते हैं, मेरे आका कभी हजामत करवाते, لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلق وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شارة إلا في يد رجل। امام مسلم روایت کرتے ہیں حدیث صحیح، آقا کبھی حجامت کرواتے تو جو نائی تھا نا، نائی ہیئر ڈریسر حجام، صحابہ اس کا طواف کرتے تھے ارد گرد، جیسے کعبے کا طواف ہوتا ہے۔ अरे तुम हुजूर के तवाफ से डरते हो तो हुजूर दे नाइयां दा भी तवाफ कर दे सा। हाय हाय,
वो तो हजूर दे नाइयां दा तवाफ कर दे सन। अकीदा ऐसा बनाओ कि हजूर दे नाइयां ते मिरासियां दा भी तवाफ होवे। और मैं तो उम्र भर कहता हूँ मैं तो हजूर का मिरासी हूँ। हाय हाय, कभी मिरासी कबूल कर लें, बड़ा दर्जा, कभी सग कबूल कर लें। उम्र भर खुदा की कसम, उम्र भर जितनी उम्र खिदमत की है दीन की और हजूर के गुण गाए हैं, जिंदगी में कभी इस पूरी मेहनत और काविश पर लिखा है या बोला हूं एक पैसा भी कोई हदिया नजराना, कोई एक पैसा नहीं लिया। हराम जाना है, सिर्फ एक चीज का मुंतजर हूं कि जब मुलाकात हो क़यामत के दिन तो कह दे ओ कुतिया अच्छी खिदमत की थी, तेरे नाल राजी है। लब मुस्करा पड़े और कह दे के नौकरा कुतिया तेरे ते खुश हैं, तू चंगी नौकरी की थी, बस एक मुसरत के लिए जिंदगी लगा। ये है अकीदा, ये मुकाम मुस्तफ़ा। पागल ऊंट सजदे में गिर जाते। सियाबा ने पूछा यार, पहले कहा आका आगे ना जाइए, पागल हो गया है, ये टक्कर मारेगा काटेगा। फरमाया नहीं, मुझे नहीं कुछ करता। तशीफ ले गए, वो जमीन पे बैठ के सर रगड़ता हुआ सजदा रेज हो गया। सियाबा ने पूछा या रसूलल्लाह, ये पागल भी आपको पहचानता है? आका ने फरमाया सिवाय एक बद अकीदे की हर कोई पहचानता। फलम्मा कादेमा मुआज़ मिन अश्शाम साजादा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ इब्ने जबल आए आका के सामने सजदा कर दिया। काला मा हाज़ा या मुआज़, आका ने पकड़ लिया, फरमाया मुआज़ क्या कर रहे हो, ये क्या कर दिया? काला अतैतु शाम फवाफक्तुहुम यस्जुदून लिअसाक़िफतिहिम व बतारिकतिहिम फवदितु फी नफ्सी अन नफअल ज़ालिका बिक। आका मैं शाम गया, मैंने देखा वो अपने बड़े इज्जत वाले बड़े ऊंचे दर्जे वालों को सजदे करते हैं। मैंने उम्र भर देखा वो बड़ों को सजदा करते थे, तो आका कायनात में आपसे बड़ा कौन है? इसलिए मेरे दिल में आया वो अपने बड़ों को सजदा करते हैं तो मैं आपको सजदा करूं। सजदा कर दिया। आका ने फरमाया फकाल ला तफअलू फइन्नी लौ कुंतु आमिरन अहदन अन यस्जुदा लिगैरिल्लाह ला मरतुल मरअतन तस्जुदा लिज़ौजिहा। जब ये मुकाम अकीदे में आ जाए तो फिर आका अलैहिस्सलाम की इताअत खुदा की इताअत, हुजूर की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत, हुजूर का अदब खुदा का अदब, आका अलैहिस्सलाम की हुरमत खुदा की हुरमत, हुजूर की बैत खुदा की बैत, हुजूर की तलब खुदा की तलब, हुजूर की रजा खुदा की रजा, हुजूर की अता खुदा की अता, हुजूर का गिना खुदा का गिना, हुजूर की कुर्बत खुदा की कुर्बत, हुजूर की बेअदबी खुदा की बेअदबी, हुजूर से मुँह का फिर जाना खुदा से मुर्तद हो जाना। तो गोया अकीदा और ईमान की जो पूरी बुनियाद है आका अलैहिस्सलाम ने जो दी और सहाबाए कराम ने जो हमें सिखाई अपने अमल से, वो शान आका अलैहिस्सलाम की ये है। ये मुकाम मुस्तफ़ा है और मुकाम मुस्तफ़ा अगर किसी का इस पर अकीदा दुरुस्त नहीं, मैंने बता दिया कोई शे, आपने बुखारी मुस्लिम की हदीस सुन ली, कोई शे काम नहीं आएगी। सारे घूम कर मरकज़ व महवर हुजूर की ज़ात है, आका अलैहिस्सलाम की। ये मुबालगा नहीं है जोर देना मुकाम मुस्तफ़ा पर, शान रिसालत पर, ये मुबालगा नहीं है। और मुबालगा भी समझ लें उस वक्त होता है, बात समझ लें, जब किसी को उसकी शान से बढ़ा दिया जाए, मुबालगा होता है शान से बढ़ा दिया जाए। हम उम्मती आका को आपकी शान से कौन होते हैं बढ़ाने वाले? हुजूर की शान को तो अल्लाह ने बढ़ा दिया है। हम में से कोई बदबख्त हो गया वो घटा तो सकता है अपने बदबख्त कौल में, शान नहीं घटेगी, मगर बढ़ाने की जरूरत किस में है? बढ़ा तो अल्लाह ने दिया है, जब फरमा दिया वरफअना लका ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। जिक्र शान को कहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल को खुदा बनाए वो भी काफिर, जो रसूल को खुदा बनाए, बोलिए, वो भी काफिर, और जो रसूल को खुदा से जुदा बनाए वो भी काफिर। इस तरह आका अलैहिस्सलाम के इश्क मोहब्बत अदब ताज़ीम तौक़ीर के ताल्लुक में और मुकाम मुस्तफ़ा की मारिफत में इस तरह जुड़ जाओ, दुनिया और आखिरत में हर जगह खैर होगी। इस अकीदे में कमज़ोरी रह गई, कोई शय कबूल नहीं होगी, हर शय खवारिज की तरह रद्द कर दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस मजलिस को कबूल करे।